और चलिए नजर इस वक्त की 50 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। आज हिमाचल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा, अधिकारियों के साथ भी करेंगे अहम बैठक। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से आई थी बाढ़। प्रधानमंत्री मोदी का वायनाड दौरा, सीएम विजयन के साथ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का किया एरियल सर्वे। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है। कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर कांग्रेस चुप है, राहुल गांधी को किसानों की चिंता नहीं। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की अहम बैठक, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास समेत तमाम दिग्गज रहे मौजूद। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में कुछ पुनर्गठन किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया पौधारोपण, एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत किया वृक्षारोपण, जनता को पेड़ संरक्षण का दिया संदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति ने कहा, यह सम्मान भारत तिमोर लेस्ते के मैत्री संबंधों का प्रतिबिंब। राहुल प्रियंका गांधी पर असम के सीएम हेमंता का हमला, का बांग्लादेश पर राहुल और प्रियंका गांधी चुप है, इन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं, बांग्लादेश में हिंदू घट रहे हैं। राजकोट में जेपी नड्डा ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, सीएम भूपेंद्र पटेल भी साथ मौजूद, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल। गुजरात के राजकोट में निकाली गई तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम भूपेंद्र पटेल ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। यात्रा में हर्ष संघवी समेत तमाम दिग्गज नेता, लोग, छात्र हुए शामिल। मनीष सिसोदिया ने आप दफ्तर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा कि सच्चाई की जीत हुई है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। शराब घोटाला मामले में 17 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं मनीष सिसोदिया। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने किया पौधारोपण, दिल्ली में स्वच्छता अभियान के तहत किया पौधारोपण, कहा कि मेरा पूरा प्रयास है कि इस जगह को एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में बदला जाए। द लीडरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया कौच सम्मेलन का आयोजन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड ने की शिरकत, कहा कि टेक्नोलॉजी को न्याय सबके द्वार का माध्यम बनाना चाहिए। पटौदी को हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की सौगात, नई अनाज मंडी जटौली में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा हमारी सरकार पिछले 10 सालों से नई नई परियोजनाओं को लाकर लोगों को सशक्त कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकवादियों के जारी किए स्केच, आखिरी बार कठुआ में दिखे थे चारों संदिग्ध, सूचना देने पर मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। उत्तराखंड में अक्टूबर में लागू होगा समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड सरकार ने तैयारी पूरी की। कोलकाता में सरकारी अस्पतालों में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में एक गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, गला दबाकर की गई हत्या। घटना के विरोध में सड़क पर उतरी डॉक्टर महिलाएं, जूनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, कहा यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित है, मैंने पीड़िता के परिवार से बात की, दोषी को फांसी की सजा दिलाएंगे। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने दिया इस्तीफा, प्रदर्शनकारी छात्रों ने दी थी चेतावनी, तुरंत इस्तीफा ने चीफ जस्टिस। सिल्वर मेडल की मांग को लेकर विनेश की अपील पर 13 अगस्त को आएगा फैसला, विनेश फोगाट पर सीएस में सुनवाई हुई थी, अयोग्य ठहराने के बाद विनेश ने अपील की थी। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद लौटी भारतीय पुरुष हॉकी टीम, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत, हरमनप्रीत ने कहा देश के लिए मेडल जीतना बड़ी बात, बहुत गर्व हो रहा है। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतकर लौटी पुरुष हॉकी टीम, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने टीम को बधाई दी, कहा पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी रिजवान से पूछताछ में बड़ा खुलासा, दिल्ली में ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था आतंकी रिजवान, आतंकी की फरतुल्ला गौरी के संपर्क में था, फरारी के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में छिपा था। यूपी के बांदा में मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस छात्र ने किया सुसाइड, सुसाइड से पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, बांदा में प्राइवेट रूम लेकर कुशवाहा नगर में रहता था, वहीं लगाई थी फांसी।